नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसटी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि लाइट को इंस्टॉल कैसे करते हैं। जब हम लाइट को इंस्टॉल करते हैं तो वो रोशनी बहुत तेज देती है क्योंकि नई होती है, बिल्कुल साफ होती है। लेकिन जैसे जैसे उसको इंस्टॉल किए हुए टाइम बीतता जाता है, उस पर एक सफ़ेद सी लेयर चढ़नी शुरू हो जाती है जो कि पानी के उछलने से लगती है। और ये लेयर और कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है। जैसा कि हम अक्सर देखते हैं हमारे एक्वेरियम ग्लास पर भी ये लेयर और कुछ धब्बे से नज़र आते हैं। कई बार आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, ये जो धब्बे हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के ही हैं, जो पानी टपकने से ये लाइनें सी लग जाती हैं, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट ही है। इसी तरह से लाइट पर भी एक लेयर लग जाती है। उससे होता क्या है कि लाइट की रोशनी जो है उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। जैसा कि आप दो एक्वेरियम देख रहे हैं सामने, इसमें आप खुद देख सकते हैं लाइट कितनी ब्राइट है, कितनी शार्प है, एक एक चीज़ इसमें नज़र आ रही है। लेकिन ये जो साथ वाला टैंक है, इसमें लाइट को लगे हुए ऑलमोस्ट एक साल के करीब हो चुका है और इस समय इसकी लाइट जो है वो बिल्कुल मध्यम सी नज़र आ रही है। उसमें उतना फोकस नहीं है और ना ही उतनी शार्पनेस है। उसका रीज़न ये नहीं है कि इसकी लाइट खराब हो गई है या कुछ है, इसका रीज़न ये है कि इस पे भी एक लेयर लग चुकी है जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बोलते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये एक्चुअल में एक एलईडी लाइट है। देखिए, लाइट जलने पर आपको इसका पता नहीं चलेगा, लेकिन जब मैं लाइट बंद कर देता हूं तो आपको इसमें क्लियर कट नजर आएगा कि देखिए ये धुंधली हो चुकी है बिल्कुल, और इस पे वाइट कलर का एक सब्सटेंस सा, एक लेयर सी लग चुकी है। और ये उसमें से निकलने वाली रोशनी को इस एक्वेरियम में प्रॉपरली नहीं आने दे रही है। तो इसका इलाज क्या है, इसको हम आखिर ठीक कैसे कर सकते हैं, साफ कैसे कर सकते हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो इजीएस्ट वे जिससे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपनी इस लाइट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे और बिल्कुल साफ सुथरा कर देंगे, और उसके बाद आप इस एक्वेरियम में फोकस देखेंगे इस लाइट का, इसकी इंटेंसिटी देखेंगे कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ये मैंने अपने एक्वेरियम का ढक्कन उतार लिया है, आप देख सकते हैं ये लाइट लगी हुई है इसमें, और इसमें आपको ये लेयर क्लियर नज़र आ रही होगी। देखिए, इसको अगर छेड़ते हैं तो ये देखिए, ये लेयर उतरनी शुरू होती है। देखिए, ये सारी लेयर इसमें लगी हुई है। देखिए, ये सारा कैल्शियम कार्बोनेट है, और आपको ये नीचे LED बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहले तो मैं इसमें से ये लाइट निकालूंगा कवर में से, और उसके बाद हम इसे साफ़ करेंगे। मैंने लाइट को निकाल लिया है ढक्कन में से। अब मैं आपको पहले ये चीज़ें दिखा देता हूँ जो चीज़ें हमें इसको साफ़ करने के लिए चाहिए। सबसे पहले तो हमें चाहिए पानी, एक हमें चाहिए वाइट विनेगर जिसे हम सफ़ेद सिरका भी बोलते हैं, ये वो है। उसके बाद आप किसी ब्रश का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो टूथब्रश हो जो ख़राब हो उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और ये स्पंज है इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई कपड़ा हो उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा कटर या शार्प रेज़र, कोई भी चीज़ हो, चाकू हो, कोई भी एक चीज़ ऐसी होनी चाहिए। और उसके अलावा हमारी लाइट। अब आपको क्लियर कट ये नज़र आ रहा होगा, देखिए ढक्कन से उतारते हुए लाइट में से कुछ जगह से वो वाइट जो सब्सटेंस इस पर लगा हुआ था, जो कैल्शियम कार्बोनेट इस पर लगा हुआ था, वो उतर चुका है। आपको अंदर इसके LED बल्ब्स नज़र आ रहे होंगे, देखिए ये देखिए, और ऊपर जो बाकी जो बच गया है ये पूरी लेयर लगी हुई है, देखिए। तो हमें इसी को साफ़ करना है। यही
इसकी रोशनी को बाहर आने से ब्लॉक कर रही है, उसको घटा रही है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखें, इसका जो अडेप्टर है इसको पानी नहीं लगना चाहिए, तो इसको हम साइड में कहीं अलग से रख देते हैं। इसका सेफ्टी कैप उतार देते हैं, ये हमने सेफ्टी कैप उतार दिया इसका। अब हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको आपको पानी से धोना है। स्पंज लीजिए, स्पंज को पानी में सोप कीजिए और इस ट्यूबलाइट के ऊपर रगड़ दीजिए। इससे आपका जो बिल्कुल बारीक सी जहां लेयर लगी होगी वो चीज जो है वो उतर जाएगी फटाफट। अब जो हमारे पास बच गई है वो ये हार्ड लेयर रह गई है। अब आपको ये वाइट विनेगर लेना है, इसको अपने स्पंज में डालना है और इसके ऊपर रगड़ देना है। वाइट विनेगर जो होता है वो डाइल्यूटेड सिट्रिक एसिड होता है, इसे हम खाने में प्रयोग करते हैं। तो ये याद रखिए कि जो चीज़ हम खाने में यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए सेफ़ है, तो इट मींस कि वो मछलियों के लिए भी सेफ़ है, एक्वेरियम यूज़ के लिए सेफ़ है। ये रगड़ने के बाद हम अपना कटर, चाकू, ब्लेड जो भी आपके पास हो वो लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा रगड़ेंगे। जैसे जैसे आप इसको रगड़ते जाएंगे ये लेयर जो है ये आपको निकलती हुई नजर आएगी। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे पानी से भिगोकर साफ करते जाएं ताकि आपको पता लगे कि कहां कहां साफ हो गया और कहां रह गया है। देखिए देखिए ये इतना हिस्सा जो है वो साफ हो चुका है। अब इसी तरह से हम पूरी लाइट को साफ कर लेंगे। ये आप खुद देख सकते हैं, देखिए पहले ये लाइट जो है बिल्कुल इसके बल्ब जो हैं वो नज़र ही नहीं आ रहे थे, एलईडी बल्ब। अब हमें इसके एक एक बल्ब नज़र आ रहा है, सब कुछ क्लियर कट हमें नज़र आ रहा है। देखिए बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अभी हम इसको सेफ्टी कैप जो है इसका वो भी धोकर लगा देते हैं। सेफ्टी कैप अगर आपकी लाइट में लगा हुआ है तो उसे लगाना मत भूलिए, क्योंकि कई बार हाथ से छूटने पर ये इस तरह से टकरा कर ये टूट सकता है, तो सेफ्टी कैप इसको टूटने से बचाता है। और ये देखिए ये लाइट जो है हमारी बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। मुझे इसमें विनेगर का प्रयोग बहुत कम करना पड़ा क्योंकि पानी से ही गीला करने पर और थोड़ा सा रगड़ने पर ये बिल्कुल साफ़ हो गई है। लेकिन अगर आपकी लाइट पर बहुत ज़्यादा ये कैल्शियम कार्बोनेट जमा हुआ है तो आपको हो सकता है कि विनेगर का प्रयोग, सिरके का, वाइट सिरके का प्रयोग बार बार करना पड़े। तो अब हम इसको इंस्टॉल करके और फिर देखेंगे कि इसकी लाइट में कुछ फ़र्क पड़ा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। लाइट हमने बिल्कुल साफ़ कर दी है, वो बिल्कुल चमक चुकी है, उसके अंदर के पूरे एलईडी बल्ब जो हैं वो नज़र आते हैं हमें अब। और उसे आप खुद देख सकते हैं, मैंने इस ढक्कन पे दोबारा से इंस्टॉल कर दिया है, उसे प्लग इन कर दिया है। और अब हम एक बार फिर से जला कर देख सकते हैं कि साफ़ करने के बाद लाइट की इंटेंसिटी बढ़ी या नहीं बढ़ी। जी ये देखिए आपके सामने बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है आपको। ये दोनों एक्वेरियम वही हैं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे और लाइट में आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। अभी ये कमरे की लाइट जल रही है एक्चुअली, और अगर मैं कमरे की लाइट बंद कर दूं, आप खुद देख सकते हैं दोनों टैंक जो हैं वो वेल लिट हो चुके हैं। अगर अब आप स्टार्टिंग की
जो इन दोनों टैंक्स की क्लिपिंग थी उसको अब की क्लिपिंग के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि इस टैंक में पहले इस कॉर्नर पे और इस कॉर्नर पे दोनों कॉर्नर पे थोड़ा सा अंधेरा सा नज़र आ रहा था, लेकिन अब एक्वेरियम की लाइट जो जब हमने साफ़ की है तो साफ़ करने के बाद आप खुद देख सकते हैं कि इस तरफ का बिल्कुल अंधेरा जो है वो हट चुका है, लाइट प्रॉपर पूरे एक्वेरियम में फैल रही है, और इधर का जो लेफ़्ट कॉर्नर है ये जो ब्लैक आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली फ़िल्टर है। मैं अपने कैमरे की लाइट ऑन करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये जो है ये फिल्टर लगा हुआ है, उसी का अंधेरा नजर आ रहा था, और इधर जो है वो बिल्कुल एक्वेरियम की लाइट ने अपना काम पूरा कर दिया है। अपने एक्वेरियम की लाइट पर नजर रखें, उसे टाइम टू टाइम साफ करते रहें, कम से कम 2 महीने में एक बार तो उसे जरूर साफ करें। अदरवाइज आपने खुद देखा है कि मैंने साल के बाद, पूरा 1 साल लगाने के बाद ये लाइट साफ की है, क्योंकि बीच में मेरे को टाइम ही नहीं मिला, तो लाइट कितनी कम हो जाती है ये आपने खुद देख ही लिया है। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस टिप का पता चल सके और इस प्रोसीजर का पता चल सके कि हम एक्वेरियम की लाइट को कैसे साफ कर सकते हैं प्रॉपरली। चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करके ऑल की ऑप्शन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जितने भी फ्यूचर में मेरे नए वीडियोस आएँ उनका नोटिफिकेशन जो है वो समय पर मिलता रहे। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।